नए आर्मी चीफ ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। बता दें कि नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं, जहां पर नए आर्मी चीफ मनोज मुकुंद ने उनको श्रद्धांजलि दी है, शहीदों को। तो गार्ड ऑफ ऑनर नए साल की शुभकामनाओं के साथ यहां पर, और आर्मी चीफ बनना एक बड़ी जिम्मेदारी है, ये कहना है एमएम नरवणे का। तो तीनों सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं, आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे का ये कहना है। आज नए साल के मौके पर सबसे पहले उन्होंने वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और कहा है कि जो पूरी जिम्मेदारी उनको मिली है, नई जिम्मेदारी मिली है, उसका उनको पूरा एहसास है और इस जिम्मेदारी को वो बखूबी निभाएंगे। तो तीनों सेनाएं पूरी तरीके से तैयार हैं, ये कहना है एमएम नरवणे का। तो कल ही सेना प्रमुख का पदभार यहां पर एमएम नरवणे ने संभाला है, और ऐसे में अपने पदभार को संभालने के बाद जब नए साल का मौका है, नया दिन है, तो ऐसे में पहला दिन शहीदों के साथ उनको श्रद्धांजलि दी गई, उनको सलाम किया गया, वॉर मेमोरियल पहुंचे और इसके साथ ही कहा कि देश पर आंच नहीं आने देंगे और तीनों सेनाओं की जो तैयारी है वो पूरी तरीके से तैयार है और जो नई जिम्मेदारी दी गई है उसका उन्हें पूरा एहसास है और इस पूरी जिम्मेदारी को बखूबी यहां पर निभाएंगे। तो इस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे एमएम नरवणे, गार्ड ऑफ ऑनर इस दौरान दिया गया, नए साल की शुभकामनाएं इस दौरान देश को दी गई हैं और कहा है कि आर्मी चीफ बनना एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है और इस जिम्मेदारी को वो बखूबी निभाएंगे। तो सेना के जवान देश को सुरक्षित रखेंगे, देश पर आंच नहीं आने देंगे, नए संकल्प के साथ एक अपने दिन की शुरुआत, अपने एक पदभार की जिम्मेदारी को समझते हुए यहां पर मनोज मुकुंद नरवणे का ये कहना है। तीनों सेनाएं पूरी तरीके से तैयार हैं, बड़ी जिम्मेदारी उनको जो दी गई है उसका उन्हें एहसास है और ऐसे में इस नई जिम्मेदारी को वो पूरी तरीके से निभाएंगे। जवानों को हौसला अफजाई यहां पर किया जाएगा और जिस तरह से रणनीति बनाई जानी है उस रणनीति को और भी पुख्ता किया जाएगा। तो सेना के जवान देश को सुरक्षित रखेंगे, ये कहना है आर्मी चीफ का। तो अब से कुछ ही देर पहले वॉर मेमोरियल पहुंचे सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे, और इसी दौरान नए साल के मौके पर उन्होंने वहां जाकर शहीदों को सलाम किया है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, गार्ड ऑफ ऑनर इस दौरान वहां पर उन्हें दिया गया। तो मीडिया से बातचीत करते हुए नए साल के मौके पर सभी को शुभकामनाएं दी गई और इसके साथ ही और सेना के जवान देश को सुरक्षित रखेंगे ये उन्होंने बात यहां पर की है। साउथ ब्लॉक में आपको बता दें कि उनको गार्ड ऑफ ऑनर यहां पर दिया गया, तो कल ही अपने पदभार को ग्रहण किया गया है और अब अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझ रहे हैं। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब साउथ ब्लॉक पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। तो नए आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे, नए साल की शुभकामनाएं यहां पर दी गई हैं उनके जरिए, और नए साल के मौके पर जहां देश को शुभकामनाएं दी तो वहीं तीनों सेनाओं पर भरोसा जताया है और कहा है कि हर एक परिस्थिति से निपटने के लिए तीनों ही सेनाएं जो है तैयार है और देश के जवान इस देश को सुरक्षित रखेंगे, देश सुरक्षित हाथों में है और देश पर बिल्कुल भी आंच नहीं आने देंगे। लेकिन इसके साथ ही जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उस जिम्मेदारी का एहसास है और उस जिम्मेदारी को पूरी निष्पक्षता के साथ, निष्ठा के साथ यहां पर निभाया जाएगा। आर्मी चीफ बनना एक बड़ी जिम्मेदारी, एमएम नरवणे
नए आर्मी चीफ जिन्होंने कल ही पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले जनरल बिपिन रावत जो कि सेना प्रमुख थे लेकिन कल वो रिटायर हुए और उनके रिटायर होने के बाद एक यहां पर नए आर्मी चीफ 28वें आर्मी चीफ जो कि मनोज मुकुंद नरवणे बने हैं और ऐसे में अपने पदभार ग्रहण करने के बाद आज नए साल के उपलक्ष्य में रुख उन्होंने किया वॉर मेमोरियल का, शहीदों को श्रद्धांजलि देकर साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया। लेकिन इस बीच मीडिया से बातचीत करते हुए चुनौतियां जो उनके सामने आई हैं उन चुनौतियों के बारे में उन्होंने जिक्र किया है और कहा है कि तीनों सेनाएं जो हैं पूरी तरीके से तैयार हैं और हर एक स्थिति से हर एक परिस्थिति से यहां पर निपटा जाएगा।